दोस्तों, आज हम मनुष्य और जीव जंतु इस पृथ्वी पर हवा, पानी और भोजन के साथ साथ बहुत सी जरूरतमंद चीज़ों के साथ अपना जीवन बहुत ही आसानी से व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस पृथ्वी पर आज हम रहते हैं वह अपने निर्माण के समय से ऐसी नहीं थी, बल्कि यह किसी दहकते आग के गोले के समान इतनी गर्म थी कि जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उस समय हमारी पृथ्वी पर न पानी था, न ऑक्सीजन और न ही भोजन, जिस पर आप अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन पृथ्वी विकास के एक बहुत लंबे दौर से गुजरी, जिसके परिणाम स्वरूप आज पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया। समय के साथ ऐसी कई प्राकृतिक घटनाएं घटी जिन्होंने पृथ्वी पर जीवन को मुमकिन बनाया, जिसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन संभव होने के लिए सबसे पहली घटना थी सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान। सौरमंडल में पृथ्वी जिस क्षेत्र में स्थित है उसे गोल्डिलॉक्स जोन कहा जाता है, क्योंकि शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित यह क्षेत्र पूरे सौरमंडल में एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां सूर्य की ऊर्जा संतुलित मात्रा में पहुंचती है। यानी कि पृथ्वी ना ही शुक्र ग्रह जितनी गर्म है और ना ही मंगल ग्रह जितनी ठंडी, यह इन दोनों के बीच में स्थित है, जिस वजह से इस क्षेत्र में होने के कारण पृथ्वी पर जल द्रव अवस्था में बना रहता है। वहीं दूसरी ओर अगर पृथ्वी की स्थिरता की बात की जाए तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चक्कर लगाती रहती है, जिसके चलते दिन रात और मौसम में बदलाव होता है। लेकिन बता दें कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमते हुए बने रहना संभव नहीं था, और ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता। अगर यह संभव हो पाया है तो एक दूसरे बड़े ग्रह के कारण, जो पृथ्वी के निर्माण के कुछ समय बाद पृथ्वी से टकरा गया, जिसके टकराने के बाद पृथ्वी की सतह पर धूल, मिट्टी, धातु और कई अन्य हल्के पदार्थ अंतरिक्ष में पृथ्वी की चारों ओर एक छल्ले के रूप में चक्कर लगाने लगे, और फिर इसके एक जगह इकट्ठे होने से चंद्रमा यानी कि चांद का निर्माण हुआ, जिसके फलस्वरूप चंद्रमा के होने से पृथ्वी को स्थिरता मिली, क्योंकि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को अपने स्थान पर रोके रखता है। अब दोस्तों, पृथ्वी को स्थिरता मिलने के बाद आवश्यकता थी पृथ्वी पर पानी की, जो कि अभी तक धरती पर मौजूद नहीं था, जिसमें धरती की बनावट के तकरीबन 50 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर अंतरिक्ष से उल्का पिंडों की बौछार होने लगी, और ये उल्का पिंड अपने साथ बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में पानी लाते रहे। करोड़ों वर्षों तक चलने वाली इस बौछार के कारण पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में पानी जमा हो गया, और फिर महासागरों यानी कि समुद्रों का निर्माण हुआ। हालांकि अभी तक भी धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं थी, परंतु समुद्र के अंदर जीवन की शुरुआत के लिए परिस्थितियां बहुत हद तक अनुकूल हो चुकी थी, क्योंकि जीवन के लिए सभी आवश्यक तत्व जैसे कि अमोनिया, हाइड्रोजन, कार्बन, यह सभी तत्व समुद्र के भीतर जल तापीय चिमनियों के माध्यम से अंदर पहुंच रहे थे, जिसकी वजह से एक कोष के जीव के रूप में जीवन की शुरुआत हुई, और इन्हीं चिमनियों के द्वारा समुद्र से निकलने वाला गर्म लावा जीवन पनपने के लिए पृथ्वी पर उचित तापमान भी उपलब्ध करा रहा था। फिर समय के साथ साथ एक कोष के जीव विकसित हुए, और तकरीबन 2.7 अरब साल बाद साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई, जिसने पेड़ पौधों की तरह ही सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग करना शुरू किया और ऑक्सीजन उत्सर्जित करने लगा, जिसे आज हम प्रकाश संश्लेषण के रूप में जानते हैं। और फिर यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही, जिससे अरबों खरबों सूक्ष्म जीवों ने करोड़ों वर्षों के बाद धरती के वायुमंडल को ऑक्सीजन से भर दिया। साथ ही ऑक्सीजन के होने से पृथ्वी को ओजोन परत के रूप में एक सुरक्षा कवच भी मिल गया, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकती थी, और पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। अब दोस्तों, ओजोन परत का निर्माण हो जाने के बाद पृथ्वी पर जीवन महासागरों से बाहर आने लगा, यानी कि समुद्र में रहने वाले जीव खुद को जमीन पर रहने योग्य बनाने लगे, जिससे आवश्यकता के अनुसार इन जीवों में विभिन्न प्रकार के शारीरिक अंगों का विकास होने लगा, और लगभग अब से 23 करोड़ साल पहले कुछ जीव विकसित होकर एक विशालकाय जीव में परिवर्तित हो गए, जिन्हें आज हम डायनासोर के नाम से जानते हैं, और इनके विशालकाय शरीर के कारण उस समय पृथ्वी पर इनका राज्य स्थापित हो गया। लेकिन कुछ जीवों ने डायनासोर से अपनी रक्षा करने के लिए खुद को शारीरिक रूप से विकसित किया, जो ऐसे जीव थे जिनमें दिमाग विकसित हुआ और इनका शरीर छोटा होने लगा, ताकि ये डायनासोर की नज़रों से आसानी से बच सके। बता दें कि इन जीवों में देखने और सुनने की जबरदस्त काबिलियत विकसित हुई, और अंडे देने के बजाय इन जीवों में बच्चे पैदा करने का गुण भी विकसित हो गया, और यहीं से स्तनधारी जीवों की शुरुआत हुई। दोस्तों, फिर उसके बाद आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले मैक्सिको के निकट 10 किलोमीटर लंबा उल्का पिंड टकराया, जिसके कारण धरती पर महाप्रलय जैसे हालात बन गए। धरती का तापमान अत्यधिक बढ़ गया और उच्च तीव्रता की भूकंपीय तरंगें प्रत्येक दिशा में बढ़ने लगी, जिससे महासागरों में भयानक सुनामी आने लगी। साथ ही अनेकों स्थानों पर ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जिसके चलते धूल और धुएं से सारा वायुमंडल भर गया और सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुँच सकी। बता दें कि इस महाप्रलय के परिणाम स्वरूप 15 करोड़ सालों से राज कर रहे डायनासोर सहित लगभग 75% जीवों का अंत हो गया, जिसमें केवल वही जीव जीवित रहे जिनका शरीर लगभग 25 किलोग्राम से कम था। फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ धरती पुनः अपनी सामान्य अवस्था में आ गई, और विनाशकारी घटना में बच गए जीव विकसित होने लगे, जिनमें स्तनधारी जीव भी शामिल थे।
जिसमें भविष्य में मानव की उत्पत्ति होने वाली थी। समय के साथ इन जीवों ने जिंदा रहने की काबिलियत विकसित की और इन जीवों की अगली पीढ़ियां भविष्य में खाने की तलाश में धरती के अलग अलग हिस्सों में निवास करने लगी। फिर विभिन्न भौगोलिक दशाओं के चलते यह जीव विकसित होकर नए जीव में परिवर्तित हो गए। दोस्तों, इस महाप्रलय में जीवित बचे चूहे के आकार के स्तनधारी प्राणियों ने खाने की तलाश में पेड़ों पर चढ़ने का गुण प्राप्त कर लिया और विकसित होकर एक वानर के जैसा रूप ले लिया, जो कि पैरोलापिथिकस थे। फिर आगे चलकर जलवायु और भौगोलिक स्थिति बदलने के कारण इन्हीं में से कुछ चिंपैंजी और गोरिल्ला के रूप में विकसित हो गए, जबकि कुछ इंसानों के रूप में विकसित होना शुरू हो गए, जिसके बाद इन्होंने दो पैरों पर खड़ा होकर चलना सीख लिया। साथ ही इन्होंने पत्थरों से औजार बनाकर शिकार करना भी सीखा और फिर आग की खोज के साथ साथ यह घास फूस की बनी झोपड़ियों में परिवार के साथ रहने लगे और फिर समय के साथ साथ ये विकसित होते चले गए, जिससे आज आप वर्तमान में देख ही सकते हैं कि इंसान कितने आगे निकल चुका है। दोस्तों, आप हमारी ये वीडियो किस जगह और कहां से बैठकर देख रहे हैं हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।